ओदो तेरी ओदो तेरी जिथे कूड़े पहुंच गया जट। क्या हो गया? कोई निकालो इन। हेलो यार, तेरे को मैंने बोला है कि 10 मिनट रुक जा भाई, तेरे को एक दिन में आगे पड़ी है यार। पर तेरे को मैंने बोला है कुछ चीजें हो रही हैं यहां पे यार, तेरे को मैंने बोला नहीं 10 मिनट रुक जाओ यार। ये हमारे साथ प्रैंक हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? अरे मुझे पता है, ऐसा है, ऐसा है। मैं आपके गर्म बोलो कर रहा हूँ, मैं भी दो दिन जीता हूँ यार। प्रैंकस्टर के साथ प्रैंक कर रहे हैं। अरे प्रिंस भाई ऐसे बात ही नहीं करते किसी से, ऐसे थोड़ी नहीं मैं करता हूँ साले, ऐसे बोल ऐसे बात करता हूँ। तो ये मेरे पे गया ना, उसका देख कैसा हो गया था, उसको लगा शिट मैं माँ कसम ऐसी समझ गया, गलती हो गई। क्या कर रहे हैं भाई, क्या चल रहा है? हेलो हेलो, तो हे गाइस, ये है हमारे शो के इनसाइडर, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ प्रैंक हो चुका है। हमारे साथ नहीं, मेरे साथ हो गया ये। हाँ। तो समझ गया था, मेरे को ना अंदर से डर था मेरी हंसी छूट जाएगी, क्योंकि मैं इसके साथ कर रहा हूँ। ये शेयर गाइस बोला प्रैंक तो नहीं कर रहे, उसकी भी फट गई यार। तो ये हमारे शो के इनसाइडर दो खूबसूरत बच्चे, क्या करने वाले आज इस बार, तुम बता दो यार। बहुत सारे कर्म और बहुत सारे कांड। कांड कांड कैसे करोगे बताओ मुझे, आप बताओ हम दोनों में से कौन है कर्म और कांड? हां उनको पता है, अरे कांड से तो लड़कियां करती हैं, उन्होंने लड़कों को फंसाकर फालतू हम लड़कियां बनना। अच्छी बात बोल रहे हो, भाई मजा आ रहा है। तुम्हें कैसा लगा, मैं रूडी में वापस आ गया वो? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एक बहुत जरूरी सवाल, सवाल ये है कि प्रिंस भाई अभी तक जितने भी सीजन हुए हैं, बहुत ही कहते हैं ना दान, सबको हेल्प करना, इस साल क्या लगता है करोगे किसी को, क्योंकि दो नए लीडर है, मैं तो आपको सब पता है। बोलूंगा कि भाई तुम दोनों एक साथ खेलो, मुझे इस बार अकेले खेलने दो। नहीं नहीं वो तो ठीक है आप खेलोगे, बट अगर ऐसा कुछ आता है, जैसे यार आपने मेरी हेल्प करी थी, मैं टिकट टू फिनाले जीता था, तो अगर इनके बिहेवियर पे डिपेंड है, अगर ये ज्यादा छान पत्ती करेंगे तो हम कांड कर देंगे। पर इसने छान पत्ती की थी, फिर भी आपने हेल्प कर दी थी। पर इनको पता था मैं अच्छा इंसान हूं अंदर से यार, वो भी नहीं, और मेरे को पता था कि यार ये अपने जैसा है यार, कोई चक्कर नहीं है। अभी लेफ्ट आउट फील, अभी इसका थोड़ा घमंड सा बोल रहा था, उसके बाद मैं अगले एपिसोड में निकल जाएगा, मुझे पता था। घमंड नहीं था वो असली, पता है आपको रीजन क्या था। इस साल आप कौन से कंटेस्टेंट्स लोगे, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें? मैं यार हमेशा देखता हूँ कि जुनून होना चाहिए जीतने का, है ना। मेरी तरफ से सीधा होना चाहिए कि मैं शो जीत के जाऊँगा, बोलेगा ना कि सर जहाँ तक जाऊँगा तो मेरे गैंग में जगह ही नहीं है, तो मेरे को वो से लोग चाहिए। टेक्निक, कुछ टेक्निक सब मैं सिखा दूँगा, सब कुछ करा दूँगा, बस जो बोलें वो करने के लायक हो। वो बोल दें कि बस सर आपने बता दिया ना, अब ये मैं कर दूँगा, ये फटेगा और मैं जीत के आऊँगा, क्योंकि टेक्निक बहुत कम काम आती है जहाँ पर पागल बनो जुनून काम आता है। ये बात सच है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इनके साथ परफॉर्म कर रहा था, इन्होंने मुझे स्ट्रैटेजी बताई थी, अब मेरे साथ साथ दूसरे की बता दी थी। तो भाई यही है कि इनकी सुन लेना, जो भी इनके गैंग में आएगा बाकी तुम्हारा काम बनता जाएगा। यस। बाकी आप क्या करोगे, कर्म करोगे कि कांड? मैं कांड करूंगा इस बार यार, बहुत कर्म करे हैं यार, है ना, थोड़ा मजा आएगा, मजा आएगा। बस हमें आपके इनसाइडर, हमें प्यार देते रहना, हम आपको परेशान करते रहेंगे, हर टाइम आएंगे हम। देखो यार मैंने प्रैंक करने की कोशिश करी पर हो नहीं पाया, इसके साथ तो हो गया, ये थोड़ा दिल पे हाथ रख के बैठ गई थी, पर ये समझ गया था। अब मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी, कभी कभी मैं सच्चे में भी ऐसे मूड में होता हूँ, कभी ऐसे में हो तो फिर मत आना, नहीं फिर मैं बोल दूंगी चलो चलो ठीक है। मुझे बता देना पिटेगी, तेरे को बता दूंगा पहले की भाई, अंदर से बच्ची को पीटोगे।